हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स का कराना जा रहा हूँ। मेरा नाम है कृष्णा, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। इसके पहले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसके पहले वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 और इसका इंट्रोडक्शन दोनों करवाया गया अच्छे से, तो पहले अगर वो देख लीजिए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ये वीडियो फ्रूटफुल होगा। तो पहले वो अगर देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या पूछा गया है, पूछा गया है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, एलसीएम के थ्रू जो निकालते हैं वही प्राइम फैक्टर है। तो उसके थ्रू करना है, कुछ नहीं है, 140 है, याद रखिएगा। देखिए 140 है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 140 है, तो देखिए देखिए 140 है, ठीक है 140 है। तो इसको डायरेक्ट 2 से करेंगे कितना जाएगा, 71 में जाएगा। फिर 2 में करेंगे तो 35,000 में जाएगा। फिर 2 से करेंगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 से करेंगे तो नहीं जाएगा। तो फिर किससे करना होगा? 5 से जा रहा है, 5 से करेंगे तो कितना बार में जा रहा है? 7 बार में। फिर 7 से कर रहे तो 1 बार में जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लिखना रहता है। 140 है तो 2 × 2 × 5 × 7 × 1, ठीक है। यही आपका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया, दिख रहा है, ठीक है। देखिए और अच्छे से, ठीक है, इसी से थ्रू से आपको करना है, बस लिखना है, कुछ नहीं करना है। टेकिंग द लेस लिखना है, टेकिंग द एलसीएम एलसीएम ऑफ 140, टेकिंग द एलसीएम ऑफ 140, ठीक है। वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। देयरफोर 140 2 × 2 × 5 × 7। अब ये सबको अगर वापस इंटू किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 140। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 5 × 7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इससे भी आपका हो जाएगा। और सेम इसी तरह आगे क्वेश्चन करना, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, 156 बोला गया है, ठीक है। तो 156 अब 156 है तो फिर क्या लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा आराम से। 2 बार में जाएगा किससे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब देखिए किससे जा रहा है, अब किससे जाएगा, जरा सोचिए। 39 किसके टेबल में आ रहा है, 39 किसके टेबल में आ रहा है, 13 से देंगे तो कितना जाएगा, 3 बार में जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो इसका बस प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोला गया। तो 156 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 13 × 3, ये आप क्या आ जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब और इसको लिखना चाहे एक्सटेंड ऐसे बस लिख सकते हैं, ये आप क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिख देना है, क्या लिखना है, बाय टेकिंग एलसीएम द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इक्वल प्रोडक्ट इक्वल टू इज दैट करके, ये पूरा आपको लिख देना है, कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए आगे आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर एंड वेरीफाई करने वाला एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट। ये देखिए फॉर्मूला ही दे दिया गया है आपको, क्या है, फॉर्मूला ही दे दिया गया है आपको, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। ये फॉर्मूला को एकदम रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, हम इसे काम आएगा, सिंपल है, क्या सिंपल है, एलसीएम और एचसीएफ को जब इंटू करेंगे ना तो जो जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट जो नंबर दिया हो रहेगा वो दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे ये देखिए 26 और ये 91 है, एक बार एलसीएम निकाल लीजिए, एक बार एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है।
और उसके बाद ये बनाइए, देखिए कैसे सॉल्व करना है, याद रख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए आराम से देखिए एकदम, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है 26 से 91, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए देखिए क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 26 एंड 19, ठीक है। देखिए 26, सॉरी 26 एंड 91, और 26 से 91 है तो बस क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक्सप्रेसिंग करना है, शो करना है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग 26 एंड 91 एज प्रोडक्ट, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, 26 इक्वल टू क्या मिलेगा, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 1, यही मिलेगा ना। आगे देखिए क्या है, 91 है, अब 91 है तो क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है 91 क्या हो जाएगा, 91 है तो 7 इंटू 13, 13 का पहाड़ तो याद होगा जी, तो 13 7 कितना होता है, 91 होता है, ठीक है, 37 जा 91 होता है, ठीक है। देयर फोर, देयर फोर, ठीक है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटू कर लीजिएगा, 182 आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड एच सी एफ भी इसी तरह निकाल लेना है, एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ किसका, 26 और 91 का, क्या हो जाएगा, ये जो बीच में कॉमन है, क्या ये जो बीच में, ये जो बीच में जो कॉमन आ रहा है ना, यही आपका, यही आपका, ये जो कॉमन आ रहा है, यही कॉमन वाला आपका क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कॉमन आ गया तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब बस सिंपल है, बस वेरिफिकेशन करना है, अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देखिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 इंटू 91 कितना होता है, 26 इंटू 91 86 होता है, 66 होता है, कितना होता है, 23 और 66 लिखना है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, देखिए निकाले थे ना 182, ये जो 182 निकाले हैं, ये 182 लिखना है, और ये जो एचसीएफ निकाले 13, ये 13 लेंगे, तो फिर से आपको क्या आ जा रहा है, इतना ही आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। डेट मीन्स कि वेरीफाई कर दिए ना, इस फॉर्मूला को ही वेरीफाई कर दिए, हैंस द एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द 26 एंड 91, ठीक है। इस तरह आपको करना है, तो आगे जितना भी नंबर है सारा इस नंबर को इसी तरह आपको करना है, क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार हो गया, बस कुछ नहीं करना है, अब एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ क्या होता है, जो जो कॉमन मिल जाएगा आपको, जो जो कॉमन मिल जाएगा वो यूज कर लेना, कॉमन क्या नहीं मिल गया था, देखिए कॉमन मिल गया 13, यही हो गया आपका एच सी एफ, ठीक है। एल सी एम क्या होता है, बाकी सबको इंटू कर दीजिए जितना बचा है सबको, और जो कॉमन उसको एक बार लेना, एक बार काउंट करना है, देखिए कॉमन है ना, उसको एक बार काउंट करना है, और ये 2 और ये 7, और एक बार इसको 13 लेंगे, मतलब 2 इंटू 7 इंटू 13 करेंगे, 1 तो कीजिए ना कीजिए क्या, बराबर ही आएगा, तो क्या आएगा आपका 182 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह कर लेना है, उसके बाद अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 जो भी गिवन नंबर जो दिया हो रहेगा, वो दोनों जब आपस में इंटू करेंगे,
वो जो वैल्यू आएगा, और जो HCF LCM निकाले थे वो दोनों को जब प्रोडक्ट इंटू करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, अमाउंट आएगा, वो दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिएगा पता चलेगा कि दोनों सेम है। और सेम है डेट मीन्स कि हम लोग का फॉर्मूला वेरीफाई कर गया है, हो चुका है, एकदम प्रूव हो चुका है कि HCF अगर LCM दोनों को जो वैल्यू आता है, दोनों को अगर इंटू करेंगे तो क्या लाएगा, प्रोडक्ट लाएगा। जो गिवन टू नंबर से जो यूज़ करके हम HCF LCM निकाले हैं वो उन लोग का प्रोडक्ट आएगा। जैसे यहाँ पे LCM लाए थे ना, देखिए LCM लाए थे 182, देखिए यहाँ पे है HCF लाए थे ना, HCF कितना लाए थे, 13 लाए थे, तो देखिए 13 यहाँ पे पुट किए हैं, देखिए 13 यहाँ पे जब ये दोनों का पुट किए, जब ये दोनों पुट किए और जब ये दोनों पुट किए तो सेम आया ना, और जब सेम आया तो आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। और एक बार जब दोनों बराबर आ जाए डेट मीन्स की फॉर्मूला जो आपका वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब बोला जा रहा है सेकंड में, थर्ड में बोला जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने को मेथड यूज करके बोल करने के लिए बोला गया है, और ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12, 15, 1 और 21 है, ठीक है, इसको सॉल्व करने बोला गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है वो दिखाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 12, 15, 21 को सॉल्व करना है, देखिए देखिए, ठीक है, 12, 15, 21 को कैसे सॉल्व करना है, देखिए बस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 12, 15, 21, ठीक है, 12, 15 और क्या है, 21 है। तो कुछ नहीं करना है, बस लिखना है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल थ्री नंबर, क्या करना है, ऑल थ्री नंबर नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी गेट, क्या गेट होगा, तो देखते हैं 12, 15 और 21, ठीक है, देखिए 2 × 2 × 3 आएगा, और इसके करेंगे तो 5 × 3 आएगा, इसका करेंगे क्या आ जाएगा, 7 × 3 आ जाएगा। अब HCF निकालना है आपको, ठीक है, HCF निकालना है, देखिए HCF निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, देखिए कॉमन आप क्या मिल रहा है, देखिए यही बस कॉमन आ रहा है आपका, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एकदम नहीं आ रहा है कॉमन, बस यही कॉमन आ रहा है। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF तो आपका सिंपल हो जाएगा 3, हो जाएगा 3। अब देखिए LCM निकालने बोला जाएगा इसी में, LCM क्या बोले थे, जो कॉमन आएगा उसको एक बार लेंगे, कितना बार लेंगे, सिर्फ एक बार लेंगे, और बाकी सबको दोबारा ले लेंगे। देखिए 2 × 2 × 5 × 7 × 3, और जब ये सबको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो बस आपका HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया, तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। अगर आपको ये जो करने में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से LCM निकाल लीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है, 15 का भी निकाल लीजिए, 3 × 5 = 15, एक सेकेंड, ठीक है, 3 × 5 = 15, फिर 5 से देंगे तो 1 बार में, ठीक है, 21 का भी निकाल लीजिएगा आराम से, 7 से दीजिएगा 3 बार में जाएगा, और 3 बार से देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो देखिए यही वाला जो है पूरा लिखा गया, लिखा गया ना, 2 × 3 2 × 2 × 3 1 2 × 2 × 3, 1 को लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आगे भी सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस LCM और HCF निकालना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट्स कीजिएगा, हम आपका नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द LCM एंड HCF
देखिए अब क्या बोला जा रहा है, दिख रहा है? देखिए आराम से देखिए, बोला जा रहा है गिवन HCF एंड LCM। HCF दे दिया गया है, कितना दिया गया है 9 दिया गया है, और LCM आपको फाइंड आउट करना होगा। बता रहा है कि अगर HCF हम दे दिए हैं तो क्या आप LCM निकाल सकते हो? एकदम निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एकदम ऐसा मेथड बताएंगे, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही था, फॉर्मूला याद है कि भूल गए? फिर बोलेंगे भूल जाएंगे, भूलना नहीं है, भूल जाइएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, देखिए HCF LCM को अगर हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा? ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन गिवन टू नंबर। ठीक है, यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब आगे। क्या दिया गया था? HCF तो 9 दिया गया था, और LCM हमको पता करना है, तो LCM हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 306 दिया गया था, और एक कौन सा दिया गया था, 657 दिया गया था। अब आपको पता है कि ये नंबर अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, होता है ना? तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 बटे 9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम के बराबर जब सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 2238 आ जाएगा आपका जो। ठीक है, हेंस इस तरह करके आपको लिख देना है, हेंस एलसीएम 306 का और 657 का। ठीक है, 657 का कितना आ जाएगा, 2233 और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। बस आपको क्या करना है, HCF और LCM यही दो का बस निकाल लेना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होगा, HCF इंटू LCM, एकदम रट लीजिए, एकदम बार बार बोल रहे, एकदम रट लीजिए कान में, एकदम ऐसा जाना चाहिए कि एकदम रात को सोए भी तब भी याद रखें। हाँ, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर, याद रखें एकदम। HCF इंटू LCM करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में दिया गया था कि बस यही दिया गया था, HCF दिया गया था 9, और दो नंबर तो दिया ही गया था। तो आपको क्या बोला गया था, गिवन टू नंबर के हेल्प से आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा बिना निकाले, फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, और जब बोल दिया जाए कि फॉर्मूला थ्रू निकालना है तो कभी भी एलसीएम निकाल के नंबर नहीं कीजिए, एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, जब 9 दिया गया तो एलसीएम निकालना है, लिख देंगे। अब ये गिवन टू नंबर दिया गया था, अब ये 9 धरी गया तो डिवाइड हो गया, देखिए डिवाइड में आ गया, ये जब इंटू कीजिएगा इससे जब काटिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 22,338 आ जाएगा। उसके बाद आपको लिख देना है, हेंस एलसीएम दिस नंबर इक्वल टू 22,338, सिंपल सॉल्व। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं था वैसा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर, क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 एंड 6 कैन एंड विद 0। तो नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। रुकिए एक जरा सा देखिए क्या है, 6 बोला जा रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोला जा रहा है, क्या 6n क्या कभी 0 डिजिट से एंड हो सकता है? एक बात माइंड में याद रख लीजिएगा, एक बात माइंड में एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा कि जब भी कोई नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, डेट मीन्स कि जरूर जरूर से जरूर वो 2 या 5 का उसका आ रहा होगा एंड में, तभी आएगा फैक्टर उसका 2 एंड 5 आएगा। क्यों, कि 2 एंड 5 ही ऐसा है जो एंड करेगा हम लोग को यूनिट डिजिट, क्या देगा, 0 देगा, और 0 है डेट मीन्स कि वो डिविजिबल है 5 से, तभी आ रहा होगा।
ठीक है, तो इसी को मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग, चलिए आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा और आराम से एकदम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, एकदम ऐसे सॉल्व करवाएंगे लगेगा ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, या क्वेश्चन हार्ड है, एकदम सिंपल से, एकदम सिंपल है, मैं बता रहा हूँ ना, एकदम सिंपल है, काहे टेंशन लेते हो जी, हम भी तो कभी ना कभी पढ़े होंगे, हार्ड लगेगा क्या? एकदम नहीं हार्ड लगने देंगे, हमको पता है ना कैसे पढ़ाना है। देखिए आप बस, इफ द नंबर 6n एंड्स विथ द डिजिट 0, देन 0, देन इट शुड, क्या जल्दी बताइए, हम भी बताए थे आपको, इट शुड बी डिविजिबल, किससे डिविजिबल होना चाहिए? बाय 5 से, याद रख लीजिएगा, किससे? 5 से। एज वी नो एनी नंबर, कोई भी नंबर को अगर आप करना चाहें डिवाइड 5 से, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? या तो 5 ही आएगा और या तो 0 लाएगा। ठीक है, 0 लाएगा या तो और क्या लाएगा, 5 लाएगा, और 5 इज डिविजिबल, 5 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखिए सिंपल सा बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं किसका, 6n ही तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम लोग किसका करेंगे जी? जब क्वेश्चन ही 6n दिया हुआ था, हम लोग किसका करेंगे? 6n इक्वल टू 2 × 3 × n। अब देखिए क्या 2 × 3 n तो आ गया, लेकिन क्या कहीं 5 आया क्या? नहीं आया, जब नहीं आया तो नहीं हो सकता है जी, सिंपल सा बात है, 5 आना ही चाहिए, अब नहीं आया तो नहीं होगा। देयर फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डजंट कंटेन प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर? अजी 5 का ही तो बात कर रहे हैं बार बार, तो 5 ही होना चाहिए, होना क्या जी, यही होगा 5 ही। अब नहीं होगा तो क्या करेंगे, अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, हम लोग पास कलर का वैरायटीज बहुत है, तो यूज़ क्यों नहीं करें, हेंस। ठीक है, इट इज़ क्लियर, क्लियरली दिख रहा है ना, इट इज़ क्लियर डैट फॉर एनी नेचुरल नंबर, या कोई भी नेचुरल, एक सेकेंड, या कोई भी नेचुरल नंबर को अगर वो 6n है, ठीक है, या कुछ भी है, तो अगर यूनिट डिजिट हम चाहते हैं कि वो 0 हो, तो ये डेफिनेटली कि वो 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए अब नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एंड दस इट प्रूव्स डैट, इसको अच्छा से लिख देने लग जाइए, डैट डैट 6n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, 0, 0 फॉर एनी नेचुरल नेचुरल नंबर n। ठीक है, देखें देखें, सिंपल है, बोला जा रहा है कि 6n जो है एंड विथ द डिजिट 0, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। एज वी नो एनी नंबर विथ यूनिट 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। क्या बोला जा रहा है, अगर हम लोग चाहते हैं कि 6n इन से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें हम लोग को 5 नंबर कहीं मिल जाए, तब
ना 5 डिविजिबल होगा तो लास्ट में क्या होगा, 0 आएगा। 5 लास्ट में डिजिट होगा तो 5 डिविजिबल करेंगे तो 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किए सिक्स क्या आ जाएगा, 2 × 3 n। इसमें 5 मिला क्या, नहीं मिला। अब नहीं मिला लिख लें, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हैंस इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। कलर चेंज कर लेते हैं, लीजिए, इट इज क्लियर डेट फॉर एनी नेचुरल नंबर सिक्स एन इज नॉट डिविजल बाय 5 5, एंड दस इट प्रूव डेट 6 n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर बस बोल दे रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, बस लिख देना है कि हैंस इफ 5 इज नॉट डिविजिबल देन, इसको ऐसे लिख देना है, देखिए दिखा देते हैं, लिख देते हैं हमको फिर से। ठीक है, बस लास्ट में इतना लिख देना है आपको कि इट प्रूव्स डैट 6 n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, लास्ट में आपको इतना लिख देना है और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या, ध्यान से देखिए इधर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर जरा सा भी अगर आप ध्यान नहीं दिए ना तो हो जाए, दुर्घटना घट जाएगी एकदम। देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या है, 7 × 11 × 13 + 13 है, इसको एक्सप्लेन करने बोला गया है। क्या बोला गया है, एक्सप्लेन करने बोला गया है। अब बोल रहा है कि इस नंबर को, क्या बोला गया, इस नंबर को और इस नंबर को, कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है क्या। अब कंपोजिट नंबर का बात आ गया, पहले आप लोगों का माथा चल रहा होगा भाई कंपोजिट नंबर तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो कंपोजिट नंबर आप लोगों ने 9 में ही पढ़ चुका होगा। क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर किस होते हैं, पहले प्राइम नंबर बताइए कौन है, पहले आप लोग प्राइम नंबर बताइए, प्राइम नंबर कौन होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर से। आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ये भी बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होते हैं, तो आपने क्या बोला था, 2 होता है, कि 2 तो प्राइम नंबर भी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इवन में बोल रहे हैं बार बार कि इवन बताना है, ऐसा बताइए प्राइम फैक्टर जो इवन भी हो सबसे स्मॉलेस्ट भी हो तो 2। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर जो प्राइम नंबर है उससे जस्ट उल्टा है कंपोजिट नंबर। उसमें क्या बोला गया, इसमें सिंपल बोला गया कि कोई भी नंबर जो डिविजिबल हो अदर देन नंबर और 1, मतलब मोर देन 2 फैक्टर इसमें निकलेगा, तो जितना भी 4 हो गया, 5 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब सारे क्या हो गए, 9 हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सारा कंपोजिट नंबर हो गए। तो अब इसमें बस दिखाना है, बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो एकदम डेफिनेटली है, बट इसको प्रूव करना है तो आपको एक्सप्लेन करते हैं। पूछ रहा है, पूछता है भारत, जिसे बोलते हैं पूछता है भारत, उसी तरह पूछ रहा है वाई वाई। ठीक है, तो अभी आपको बताते हैं, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले अच्छा से एकदम। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा बुक साथ में रखने की, ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए यही एक नंबर है जिसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, एक ये नंबर और एक ये नंबर, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं, आराम से प्रूफ हो जाएगा, कोई कोई टेंशन नहीं होगा, एकदम आराम से, एकदम सिंपल है, इजी है। मैंने बताया था ना आपको एकदम हलवा कॉन्सेप्ट पे, एकदम हलवा कॉन्सेप्ट, एकदम रायता फैला दीजिएगा आप लोग, इतना एकदम मतलब एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बता देना चाहूँगा। ठीक है, डेफिनेशन बता देना चाहूँगा मैं आपको, आप लोगों को डेफिनेशन जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एक जरा सुख जाइएगा, देखिए पहले सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देते हैं, डेफिनेशन जान लीजिएगा आपको फायदा हो जाएगा, ये डेफिनेशन सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन बता देते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इफ अ नंबर इज कंपोजिट, नहीं दिख रहा वहाँ पे, अच्छा यहाँ दिख जाएगा, इफ अ नंबर
इज कंपोजिट, कंपोजिट देन इट मीन्स इट हैज फैक्टर अदर देन वन, सिंपल है, अदर देन वन एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ, देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है, फॉर द गिवन एक्सप्रेशन जो अभी दिया गया है उसको सॉल्व करके अभी हम बताएंगे। टेकिंग 13 एज ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है, पहले नंबर लिख लेते हैं, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, तब तो समझ में आएगा ना। चलिए चेंज करते हैं कलर, देखिए नंबर क्या था, 7 × 11 × 13 और प्लस 13 था, ठीक है, तो ले लेंगे पहले टेकिंग 13 एज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो क्या हम लोग मिल जाएगा, वी गेट, देख लेते हैं 13 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जब 13 कॉमन लिए तो क्या मिलेगा देखते हैं, 7 तो रह जाएगा, 11 भी रह जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा बताइए ज़रा सा, 7 × 11 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है, तो 13 × क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, अब 13 × 78 हो जाएगा, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं 13 × 3 × 2 × 13, ठीक है, जब इतना लिख जाएगा तब लिखिएगा आराम से कि हेंस 7 × 11 × 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, देखिए देखिए पहले तो डिफाइन कर दिए हम, ठीक है, इफ अ नंबर इज अ कंपोजिट देन इट मीन्स इट, ठीक है, देन इट मीन्स हैज अ फैक्टर अदर देन वन, क्या वन होगा या इटसेल्फ, ठीक है, अदर देन वन या फिर इटसेल्फ, देन देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन 7 × 11 × 13 प्लस 1 है, पहले क्या करेंगे 13 कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए तो ये वैल्यू आ गया, अब ये वैल्यू 77 क्रिएट करें 78, अब इसको थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप ही के हेल्प के लिए, आप ही के हेल्प के लिए किए हैं, देखिए किए तो क्या 3 × 2 × 13 आ गया। अच्छा बताइए अब ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, एकदम है, कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन क्या था, कोई भी नंबर बस क्या होना चाहिए, अदर देन वन और इटसेल्फ, ये क्या है कंपोजिट नंबर है। अब एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नाउ देखिए, ठीक है, नाउ लेट्स टेक द अदर नंबर, अदर नंबर क्या था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 था, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बस 5 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, टेकिंग देख रहे हैं, देखो टेकिंग 5 एज अ कॉमन, कॉमन फैक्टर, जब 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 7 तो रहेगा ही, 6 भी रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और 3, 2 × 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो कॉमन निकाल लीजिए। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो फिर इंटू कर लीजिएगा 5, ठीक है, 7 × 6 = 42, रखिए देखिए आराम से, जब ये सबको इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1008 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 5 × 1009 आ जाएगा। अब ये का कंपोजिट नंबर है तो एकदम है, तो क्या लिखेंगे, हैंस कर देंगे, हैंस 7 × 6 × 1 1 नहीं था 5 था × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5, ये क्या है,
क्या है? इज अ कंपोजिट नंबर। क्या है? इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिए तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बस इतना बस याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन रखिएगा तो कुछ नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस हम लोग को कॉमन फैक्टर निकाल के जो रहेगा इक्वल वैल्यू वो शो करेंगे, कि जो वैल्यू है अब वो चेक कर सकते हैं वो कंपोजिट है कि नहीं। यार कंपोजिट का तो डेफिनेशन आपको याद ही है। क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन की बस कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर जो नहीं है ना मैक्सिमम, वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है। आगे आपका क्वेश्चन आ गया, ये सब सारा ही रेज कर लेते हैं। देखिए चलिए, आप बोला देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया टेक्स 18 टू ड्राइव वन राउंड टू फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट द सेम टाइम गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द से स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? सर्कुलर पाथ है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्या है, देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सोनू है एक रवि है, दो लड़का है, एक सोनू एक रवि दोनों दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है। ठीक है, जब दौड़ लगाते हैं फील्ड में, जैसे सुबह सुबह जॉगिंग कैसे जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वैसे ही एक सोनू था एक रवि था, दो दोस्त यार थे। बोले हम, मैं दौड़ता हूँ तो मैं 18 मिनट लेता हूँ, ठीक है, पूरा एक राउंड मारने में। अब रवि बोला मैं तो तुमसे भी तेज हूँ, मैं तो और तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है भाई दौड़ो। ठीक है, ठीक है दौड़ो। वो बोला दौड़ो, क्वेश्चन तो देख लिया होगा। ठीक है, अब वो बोला दौड़ो, अब वो और तेज दौड़ा। वो क्या बोला, मैंने 12 मिनट में ही दौड़ लगा दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, मान लीजिए कि बोथ स्टार्ट, क्या बोल रहा है, बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम। अब बोल रहा है भाई अलग अलग टाइम में तुम मत, हम रेस लगवा लेते हैं, सेम टाइम में दौड़ा रहे हैं, सेम एट पॉइंट से दौड़वा रहे हैं, मतलब सेम टाइम भी है सेम प्लेस भी है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी दौड़वा रहे हैं, तो बताना है आपको कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो दोनों जब वापस मिलेंगे तो किस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि एलसीएम निकाल देना है और हम लोग को आंसर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब कैसे आएगा। तो देखिए सोनू, ठीक है, सोनू एंड रवि बोथ बोथ इन सेम डायरेक्शन, दिख रहा है? नहीं दिख रहा वहां पे, चलिए यहां देखते हैं। ठीक है, सिंस सिंस बोथ, ठीक है, सोनिया था, ठीक है, सोनिया एंड रवि रवि इन द सेम सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम में भी तो निकला था। ठीक है, द मेथड, कौन सा मेथड लगाएंगे, द मेथड टू फाइंड, द मेथड टू फाइंड व्हेन दे मीट, व्हेन दे व्हेन दे मीट, व्हेन दे मीट, ठीक है, अगेन एट द सेम पॉइंट, अगेन एट द सेम पॉइंट इज एलसीएम। एलसीएम लेना होगा ना, ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे, 18 एंड 12, मतलब 18 एंड 12 का लेंगे। ठीक है, देयरफोर,
एलसीएम 18 का और 12 का अगर लेंगे तो क्या आएगा? सिंपल है, 2 × 3 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, हेंस हो गया, बस आंसर आ गया और कुछ नहीं, इतना ही तो करना था, वही तो मैंने बोला था पहले ही, कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या? कुछ भी तो नहीं है, एलसीएम निकालना है, बस आंसर आपके हाथ में है। अब इससे भी ज़्यादा एग्जाम में क्या नंबर देगा बताइए? ये सब नंबर गेन करने वाला क्वेश्चन होते हैं, सिंपल है एकदम, बस एलसीएम निकालना है और आपके हाथ में आंसर। अब बताइए ये सब क्या है? ये सब बस तो हलवा है एकदम। ठीक है, आगे देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर लिख देना है। ठीक है कि 36 मिनट के बाद मिलेंगे, हैं सोनिया। देखिए क्या लिखना है, सिंस बोथ सोनिया एंड रवि इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन निकला और सेम टाइम में निकला। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलसीएम मेथड यूज करेंगे। किसका? जो नंबर था 18 और 12 था उसी का यूज करेंगे। जब निकालेंगे तो 18 का और 12 का जो एलसीएम निकालेंगे क्या आ रहा था? 2 3 3 3 आ रहा है। अगर आपको लगता है कि एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो साइड में आराम से आप 18 और क्या था 12 का आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 जै 18, 2 6 जै 12, 3 से 3 जै 9, 3 2 जै 6। अब देखिए और जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 2 3 3 2 है, देखिए वही तो लिए हैं, लिए हैं ना, तो बस एलसीएम निकाल लेना है। 36 आ गया, लिख दीजिएगा हैं सोनिया और जो भी था, सोनिया और रवि विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट बाद वो लोग मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। तो बस इसी तरह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई टफ चैप्टर नहीं है, इतना इजी मेथड लेके आऊँगा कि आप लोगों को ज़रा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक्स करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर दें। आप लोगों को बस लाइक्स करना है, हम लोग क्या है यही मोटिवेट करता है। आप लोग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जा रहा, कुछ भी नहीं लिया जा रहा, 1 रुपये 1 पैसा नहीं देना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ लाइक देना है। आप लोग सिर्फ लाइक कीजिए जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और अच्छे से बेहतर वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और अपने आप को इन्हेंस करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम सबको हो रहा है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से वहाँ पर कमेंट करें, हम लोग उसको रीड करते हैं एकदम और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू।